हाय गाइस, वेलकम टू तबूस किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल डेजर्ट, जो क्रिसमस में बनाने से बहुत अच्छी लगती है। आप अपने रिलेटिव्स को सर्व कीजिए, कुछ नया बनाने वाली हूँ मेरे टाइप से, आप भी इसे ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं। तो डेजर्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे जेली, स्ट्रॉबेरी जेली हम बनाएंगे। जेली बनाने के लिए मैंने लिया है पैन। पैन में हम ऐड करेंगे 400 ml वाटर। तो इसमें हम ऐड करेंगे जेलेटिन पाउडर, जेली पाउडर स्ट्रॉबेरी वाला जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको हम पानी में ऐड कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है ये, इस तरह से आएगा ये दो पैकेट्स में। अच्छे से जेली पाउडर को मिक्स करेंगे पानी में और इसे थिक होने तक पानी में बॉईल कर लेंगे। जेली अच्छे से बॉईल हो रही है, अच्छे से पक रही है और थोड़ी देर इसे हम पकाएंगे। जेली हमारी पक चुकी है, थोड़ी थिक हो चुकी है, अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे ग्लासेस, थोड़े छोटे वाले ग्लासेस लेंगे, ज़्यादा बड़े ग्लासेस नहीं लेंगे। अब इन ग्लासेस में हम डालेंगे जेली जो हमने बनाया था, इस तरह से। ग्लासेस में हमने सारे जेलीज डाल लिया है जेली को। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्ट्रॉबेरीज, कोई भी फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से स्ट्रॉबेरीज जो कटे हुए हैं, छोटे पीसेस इसमें हम डालेंगे, इस तरह से। आप चाहे एप्पल, बनाना, सब कुछ डालें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हैं कैशू, पिस्ता और बादाम, मैंने इस तरह से काट के रखा है हाफ ऑफ पीसेस में। डालेंगे थोड़े थोड़े से, 2 से 3 बादाम डालेंगे, कैशू 2 से 3 डालेंगे और थोड़े से पिस्ते। इसको अच्छे से मिक्स कर दें जली में, इस तरह से। इस तरह से सारे हम ड्राई फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरीज सब जलीज में, ग्लासेस में डालेंगे और फ्रिज में इसे सेट होने के लिए रखेंगे। सारे ग्लासेस में मैंने स्ट्रॉबेरी और नट्स को ऐड कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए, फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करेंगे। जेली हमने सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। जब तक हमारी जेली सेट होती है, हम बना लेंगे क्रीम। व्हिपिंग क्रीम है हमारे पास 200 ग्राम्स, ये व्हिपिंग क्रीम है। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज़ 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम, 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़ अब इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर, 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर हम इसमें ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर है ये 4 टेबलस्पून, इसमें हम ऐड कर लेंगे 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर हमने ऐड किया है। अब इसे अच्छे से हम व्हिप करेंगे ताकि ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। क्रीम को अच्छे से मैंने व्हिप कर लिया है, इस तरह से। अगर आप उठा रहे हैं क्रीम को, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, इस तरह से थिक होनी चाहिए। अब इसे हम एक कोन में फिल करेंगे। जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, देखिए इस तरह से।
अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम जो हमने व्हिप किया था, जो मैंने कोन में ले लिया था इस तरह से, थोड़ा सा क्रीम इसमें ऐड करेंगे हम इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके क्रीम सब ग्लासेस में हम डाल लेंगे। सारे ग्लासेस में मैंने क्रीम डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे केक, बिना केक के तो क्रिसमस बनता ही नहीं है, तो मैंने लिया है चॉकलेट केक जिसे मैंने क्रश कर लिया है, अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी केक ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, कोई केक, तो मैंने लिया है चॉकलेट केक। चॉकलेट केक हम इसमें डालेंगे क्रीम के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से। केक मैंने सारे ग्लासेस में ऐड कर दिया है। अब फिर से इसके ऊपर हम डालेंगे क्रीम, क्रीम हम ऐड करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो हमने क्रीम इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे स्ट्रॉबेरीज से और थोड़े नट्स से। नट्स में हम ऐड करेंगे बादाम इस तरह से। अब ऐड कर दें, ऐड कर दें, और स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे इस तरह से। गोल पीसेस में हमने स्ट्रॉबेरीज को काट लिया है। आपको अगर जैसे भी चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बन गया हमारा क्रिसमस स्पेशल डेजर्ट, जो दिखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्टी भी बना है। तो आप भी इस डेजर्ट को घर में बनाइए, क्रिसमस में ये डेजर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, बिल्कुल नया डेजर्ट है ये। आप अपने रिलेटिव्स को भी सर्व कीजिए, बहुत जल्दी बनता है, क्विक डेजर्ट है, ज़्यादा कुछ आपको स्टोव पे बनाना नहीं पड़ता है, सिर्फ जली बनाइए और थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए क्रीम से, नट से, केक से, जो भी चीज़ हम क्रिसमस में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। केक, नट्स तो स्पेशल होते हैं क्रिसमस के लिए, तो आप सब घर में बनाइए। आप सबको विश हैप्पी मैरी क्रिसमस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।